सो फाइनली Xiaomi की तरफ से Xiaomi Redmi Note 8 ये एक तरीके से लॉन्च हो चुका है इन द साइट ऑफ द मोबाइल मार्केट। और इस डिवाइस का जो प्राइस है वो है सिर्फ 8,500 के रेंज में। लेकिन 8,500 के रेंज में जो Redmi Note 8 में आपको जो फीचर्स देखने मिलता है वो इट्स कम्प्लीटली गुड एंड वेरी गुड। बट स्टिल यहाँ पे आपको Redmi Note 8 में एक फीचर है जो आपको बिल्कुल भी देखने नहीं मिलेगा, लेकिन आप उस फीचर्स को अपने Redmi Note 8 में इजीली ऑन कर सकते हो। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ स्प्लिट स्क्रीन की। यस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Redmi Note 8 में किस तरीके से स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ करके अपना जो एक ही एप्लीकेशन यानी कि Redmi Note 8 में दो एप्लीकेशन को एक ही साथ में यूज़ करके ओपन कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सिंपली आप किस तरीके से अपने Redmi Note 8 में स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक ही मोबाइल में मल्टीप्लिकेशन आप कर सकें यानी कि मल्टीपल काम आप कर सकें, तो जो मैं आपको वे बताऊंगा उसको आप ज़रूर फॉलो करिए अपने Redmi Note 8 में, और स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ करके मल्टीटास्किंग आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है स्प्लिट स्क्रीन लॉन्चर। ये मेरे हाथ में जो मोबाइल है ये Redmi Note 8 नहीं है, ये मेरा एक दूसरा स्मार्टफोन है। ये मेरा एक इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन है, तो ऐसा मत समझिए कि मेरे हाथ में Redmi Note 8 है। लेकिन जो मैं आपको वे बताऊंगा उस पर फोकस करिए। और ये जो वे मैं आपको बताऊंगा ये आप Redmi Note 8 में ही नहीं कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में इजीली इस वे का यूज़ करके आप स्क्रीन को स्प्लिट करके एक ही मोबाइल में दो एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं मल्टीटास्किंग बेसिस पे। तो सिंपली आपको ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल करना है और मैं इसको इंस्टॉल मैंने ऑलरेडी कर दिया है। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे देन आपको अंदर का जो लुक है वो आपको कम्प्लीटली इस तरीके से दिखेगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे टैप करेंगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख जाएगा, टॉप ऐप एंड बॉटम ऐप। तो सिंपली आपको टॉप ऐप पे टैप करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन को आप टॉप में रखना चाहते हैं वो आप इसको मैन्युअली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे रखना है फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट को मैं टॉप ऐप में रखूँगा एंड डाउन साइड में मैं रखूँगा यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को। यहाँ पर क्रोम है, यहाँ पर आप देख लीजिए फ्लिपकार्ट है एंड क्रोम है। देन सिंपली मैं सेव कर दूँगा एंड यहाँ पे इसको ऐड ऑटोमेटिकली कर दूंगा। देन यहाँ पे बैक जाना है और यहाँ पे आपको टॉप साइड में इसका ये दोनों का एक आइकन आपको दिख जाएगा, देन आपको सिंपली इस पर टैप कर देना है। तो जैसे मैं टैप करूँगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन जो है ये मेरा स्प्लिट हो जाएगा मेरा Redmi Note 8 का। तो सिंपली यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे इसको रोटेट करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में है ये फ्लिपकार्ट और मेरे राइट साइड में है ये क्रोम ब्राउज़र। तो गाइस है ना काफ़ी अमेजिंग फीचर, ये फीचर मोस्ट ऑफ द स्मार्टफोन में आपको देखने नहीं मिलेगा। इवन आपको Redmi Note 8 में भी ये स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन नहीं देखने मिलेगा, लेकिन आप फिर भी स्टिल अपने Redmi Note 8 के स्मार्टफोन में स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ करके इजीली ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप इजीली स्प्लिट जो स्क्रीन है उसको आप स्प्लिट कर सकते हैं अपने Redmi Note 8 में और मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। इससे ये मोस्टली उन लोगों के लिए बेटर होगा जो जल्दी अपना टाइम को सेव करना चाहते हैं, दो एप्लीकेशन में अपना कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनके ये एप्लीकेशन बेटर होगा। सो दैट्स इज ऑल अबाउट नाउ ये जो एप्लीकेशन है। लेकिन ये जो मैंने आपको वे बताया ये सिर्फ आप Redmi Note 8 में ही नहीं इवन कोई भी एप्लीकेशन में आप इस एप्लीकेशन की हेल्प से स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं और मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नाउ दिस इज़ द वे वेर यू कैन ईजिली स्प्लिट स्क्रीन इन Redmi Note 8 और एनी अदर स्मार्टफोन। सो दैट्स इज ऑल अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, पीस आउट।